हेलो फ्रेंड्स, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं 10th सीबीएसई के हिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द सेकेंड चैप्टर, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन इंडो चाइना। अब इंडो चाइना कौन सी जगह है, क्या ये इंडिया में है, क्या ये चाइना में है, क्या ये दोनों का पार्ट है, ये किसी का भी पार्ट नहीं है। एक्चुअली ये इंडो चाइना टर्म को आप हटा के सीधा यहां पर इस चैप्टर के हिसाब से अगर बताऊं तो सीधा वियतनाम लिख दो, क्योंकि हमको यहां पर वियतनाम के बारे में पढ़ना है। अब देखो कौन सी जगह को इंडो चाइना कहा जाता था। ये मान लो कि ये यहां की जगह, ये वाला पार्ट हमारा इंडिया है। सपोज वर्ल्ड मैप में ये हमारा इंडिया है और आपको पता है कि भाई इस साइड में यहां पर कहीं पे चाइना है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच में यहां की जो जगह है, ठीक है, यहां का जो पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला को जो आप साउथ ऑफ चाइना में देख सकते हो, चाइना के साउथ की तरफ, उसको क्या कहते हैं, उस पार्ट को कहा जाता था इंडो चाइना। पर उस जगह पे अब काफी कंट्रीज हैं। वैसे जो मेजर तीन कंट्रीज की अगर बात करें तो कौन सी है आज प्रेजेंट डे में उस इंडो चाइना जिसको कहते थे, वहां पर वियतनाम है, इसके अलावा कंबोडिया है और लाओस है। पर यहां पर बेसिकली हमको वियतनाम के नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करनी है। तो याद रहे कि हम बेसिकली यहां पर जब इंडो चाइना कहा जा रहा है तो आप स्पेशली वियतनाम ही समझो, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने इसको 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। अब कौन से 5 फेजेस है इसको मैं एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 1858 से पहले की भी, तो बिफोर 1858 क्या होता था कि वियतनाम में चाइना का जो कल्चर है, काफी चाइना का कल्चर भी और वहां के जैसा गवर्नेंस भी वियतनाम के अंदर था। हालांकि ये चाइना से अलग था, है ना। ये जो है तीन, वियतनाम में भी तीन इंडिपेंडेंट नेशंस थे या तीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज मानी जाती थी वहां पर भी, और मतलब अलग अलग रूलर्स थे। कौन से तीन तीन जगह थे वो देखो। ये जो साउथ वियतनाम है, देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली बना दिया है, ये आपका लाओस हो गया, यहाँ पर कंबोडिया हो गया, इसके इस तरफ थाईलैंड है, ठीक है, और ये आपका वियतनाम है। तो वियतनाम में ये साउथ वियतनाम है, ये सेंट्रल वियतनाम है और ये नॉर्दर्न वियतनाम। तो साउथ वाले वियतनाम को क्या कहा जाता था, इसको कोचिन चीना कहते थे, सेंट्रल वियतनाम को अन्नाम कहते थे और टोकिन किसको कहते थे, नॉर्थ वियतनाम को। तो ये चीज आप समझो। तो ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग रूलर्स जो है यहाँ पर इसको चलाते थे। पर वियतनाम में जो नॉर्मल जो कल्चर है वो कहाँ का था, वो बेसिकली चाइनीज कल्चर चलता था, बिकॉज जो एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंशियल जो यहाँ पर एक और जो कंट्री थी वो चाइना थी। तो चाइना का जो कल्चर है, वहाँ का रिलीजन काफी हद तक यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता था यहाँ के लाइफस्टाइल को, ठीक है। तो ये बात हो रही है कहाँ पर, बिफोर 1858 की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि वियतनाम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट या पॉइंट कह सकते हो इन द सिल्क रूट। कौन सा, मैरीटाइम सिल्क रूट। अब देखो चाइना जो है और यूरोप के बीच में जो ये रूट बनी हुई थी ट्रेड के लिए, ठीक है, इसको सिल्क रूट कहते हैं। अब ये दो टाइप की थी, एक जो लैंड से होता हुआ जाता था उसको लैंड सिल्क रूट बोलते थे, और एक जो सी या ओशन से होता हुआ जाता था उसको मैरीटाइम सिल्क रूट कहते थे। तो ये सी या ओशन के जाने की तरफ जब चाइना से निकलोगे तो अगला पॉइंट जो है वियतनाम ही आता था। इसके लिए वर्ल्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वियतनाम जो है बहुत ही फेमस था, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेड के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था। तो ऑब्वियसली इंडिया भी था उस सिल्क रूट में मैरीटाइम, लेकिन वियतनाम का भी नाम आता है। तो ये मतलब उस टाइम पे अगर हम बात करें तो भाई एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, मोनार्की सिस्टम चल रहा है वियतनाम में। लेकिन अब जब ट्रेड करने के हिसाब से जब फ्रेंच लोग जब यहाँ पर आए तो उनको लगा कि यार नहीं, ये जगह भी अच्छी है, और वो लोगों ने सोचा कि भाई हम अपने मिशनरीज को भेज के और यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है उसको थोड़ा सिविलाइज किया जाए, वहाँ के लोगों को सिविलाइज किया जाए, इस हिसाब से वो लोगों ने फ्रेंच मिशनरीज को यहाँ पर भेजा। अब जैसे फ्रेंच मिशनरीज यहाँ पर आ गए, वो लोगों ने बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। वहाँ पर कौन सी रिलीजन चलती थी पहले से वियतनाम में, कौन सी रिलीजन थी, तो वो आप देख सकते हो। जो वहाँ पर नेटिव रिलीजन थी वो बुद्धिज़्म थी, ठीक है, और ये कन्फ्यूशियनिज्म क्या है, तो ये एक्चुअली चाइनीज
रिलीजन जो है चाइना में एक पॉपुलर रिलीजन है वो भी चल रहा था। तो ये जो रिलीजन है वहाँ पर नॉर्मली चल रहा था, पर जब फ्रेंच मिशनरीज यहाँ वियतनाम में आए तो वो लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों को कन्वर्ट कर दिया इनटू क्रिश्चियनिटी। अब ये देख के वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो रूलर्स कह सकते हो, वो लोगों ने क्या किया, इन लोगों को जो मिशनरीज गए थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया, उनको इम्प्रिजन करना शुरू कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने या वहाँ के सिस्टम ने अपने ट्रूप्स को भेजे इधर पे ताकि वो मिशनरीज को छुड़ाया जाए और यहाँ फ्रांस को, सॉरी वियतनाम को थोड़ा सबक सिखाया जाए, उनको कैप्चर किया जाए बेसिकली। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो मोनार्की सिस्टम था वहाँ पर चल रहा था नॉर्मली, 1858 को फ्रेंच ट्रूप्स लैंड करी यहाँ पर वियतनाम में, और उसके बाद यहाँ की जब फ्रेंच आर्मी जब आ गई तो वो लोगों ने अपने नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो है बहुत सारा यहाँ पर तबाही किया लोगों को एंड ऑल, और फिर उन अपने जो मिशनरीज थे उनको छुड़ा लिया, और धीरे धीरे करके फ्रांस का जो रूल है वियतनाम में, मतलब फ्रांस ने अपनी कॉलोनी जो है यहाँ वियतनाम को बना ली। मतलब जैसे हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे इंडिया में, हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, वैसे फ्रांस ने अपनी कॉलोनी कहाँ बना ली, वियतनाम में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्या हुआ, पहले वहाँ मोनार्की सिस्टम चल रहा था नॉर्मली, ठीक है, उनका अपना रिलीजन एंड ऑल सब चल रहा था वियतनाम में, और ये राजा महाराजा का सिस्टम चल ही रहा था कि फ्रेंच मिशनरीज आए, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए, फ्रेंच ट्रूप्स आ गए यानी आर्मी आ गई फ्रांस की, और फिर 1858 से उन्होंने अपना जो कब्जा करना है वियतनाम पे वो शुरू कर दिया फ्रेंच ट्रूप्स ने, और 1887 आते आते जो है वहाँ पर फ्रांस का पूरा रूल जो है वियतनाम में बन गया। अब इसमें एक दो चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि फ्रेंच ट्रूप्स जो है वो यहाँ से एंट्री मारी और कोचिन चीना पे पहले उन्होंने 1864 को यहाँ पर फ्रांस ने कब्जा किया, 1864 को, देखो 58 में आए, 64 पे यहाँ पे कब्जा हो गया, और 1887 आते आते वो लोगों ने इन दो जगहों को भी कब्जा कर लिया, यानी टोकिन और अन्नाम को भी कब्जा कर लिया। तो बेसिकली 1887 तक आप कह सकते हो कि फ्रेंच इंडो चाइना कॉलोनी जो है यहाँ पर फॉर्म हो गई है, फ्रेंच इंडो चाइना रूल यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। अब फ्रांस ने कब्जा कर लिया वियतनाम के ऊपर, आगे की चीज़ क्या है वो दूसरे फेज में देखी जाएगी। दूसरे फेज में देखो आप, 1887 मतलब जहां जब फ्रांस का रूल सेटअप हो गया, तो 1887 से लेके 1940 तक फ्रांस का डोमिनेशन था, वो तो हम देख सकते हैं, फ्रांस का जो है वहां पर राज चलने लगा, वो लोगों ने यहां पर कॉलोनी सेट कर ली है ऑलरेडी। अब ये फ्रांस ने अपने डोमिनेशन में किया क्या, वो चीजें देखते हैं। तो फ्रांस ने कुछ अच्छे स्टेप्स लेने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए किया, पर कुछ चीज़ें वहाँ पर डेवलप करी, जैसे कि मतलब बेसिकली वियतनाम में दो चीज़ें, एक राइस और एक रबर प्लांटेशन अच्छा होता था, तो कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कल्टीवेशन को अच्छा करने के लिए क्या किया गया, 1890 में, ठीक है बात हो रही है, यहाँ पर कैनल सेट किए गए और एक अच्छा मतलब वाटर ड्रेनेज फॉर्म किया गया, जिससे कि पानी जो है सब जगह इरिगेशन हो पाए और अच्छा कल्टीवेशन हो पाए। और एक ऐसा पॉइंट भी आया जब वियतनाम जो है इतना बढ़िया वहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ कि राइस के एक्सपोर्ट में, ठीक है आप कह सकते हो वियतनाम का थर्ड नंबर आता था, इतना ज़्यादा वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होने लगा। मतलब ये कैनल्स एंड ऑल सेट किया फ्रेंच लोगों ने, भले ही अपने प्रॉफिट के लिए, अपने डेवलपमेंट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर किया, वो लोग चाहते थे कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट आए। और इसके बाद सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, देखो ये तो 1890 की बात हो रही है, 1900 में वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाने की भी कोशिश हुई। अब फ्रेंच गवर्नमेंट का ये मानना था या फ्रेंच जो यहाँ पर रूल कर रहे थे उनका ये मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से कुछ अच्छे वर्कर्स से काम करा के कुछ चीज़ें ली जाए, या प्लांटेशन जो करते हैं उनसे उनको थोड़ा और आउटपुट बढ़ाई जाए, स्किलफुल बनाया जाए, तो ज़रूरी है कि उनको एजुकेशन देना होगा। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सेटअप किया। वैसे यहाँ पर वो लोग लॉजिक ये भी देते थे कि वो क्या करने आए हैं यहाँ पर, या वो लोग जहाँ भी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं वो क्यों जाते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को सिविलाइज कर सकें, वो बैकवर्ड है, उनका सिविलाइजेशन सही नहीं है और उनको सिविलाइजेशन मतलब प्रॉपर देना है।
तो ये लॉजिक से वो लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया 1900 में फ्रेंच लोगों ने, वियतनाम की बात हो रही है, वियतनाम के अंदर। और एक और इंसिडेंस वहां पर एक फेमस वाला है, ठीक है, वो भी एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दूंगा इसके अंदर, या बता दूंगा क्या चीज था। 1903 की बात है, बेसिकली 1902 से वो स्टार्ट हो गया था जो इवेंट यहाँ बता रहा हूँ। अब ये जो हैनोई है, ये हैनोई क्या है, ये वियतनाम का कैपिटल है, सो दिस इज कैपिटल ऑफ वियतनाम। अब ये हैनोई में फ्रेंच लोग तो यहाँ पर अपना कॉलोनी बना चुके हैं, तो जो यहाँ पे ऑफिशियल्स थे, फ्रेंच ऑफिशियल्स और जो बड़े बड़े जो लोग यहाँ रहते थे वियतनाम में आके, तो उन्होंने अपने क्या किया कि ये हैनोई में अच्छा सा डेवलपमेंट किया, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ का स्ट्रक्चर्स, सिविल वर्क्स बहुत अच्छा कर दिया। इवन वहाँ का जो सीवेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको एकदम परफेक्ट किया ताकि एकदम क्लीन सिटी दिखे वो हैनोई उस हिसाब से, क्योंकि उनको वहाँ पर रहना था। अब हुआ क्या चीज़ कि एक ऐसा दौर आया जब फ्लड आया, बाढ़ आया, और बाढ़ आने से क्योंकि यहाँ पे जो इनका नाले का जो पानी है वो रिवर में जा रहा है ना, ये जब फ्लड आया तो वो रिटर्न, अब वो गंदा पानी वापस रिटर्न हुआ, ये सब नाले के थ्रू ही अब वो चीज़ रिटर्न आ रही है। और इसकी वजह से अब ये लोगों ने देखो एक और चीज़ क्या करी थी फ्रेंच लोगों ने, जहाँ पर ये हैनोई में ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर तो प्रॉपर सिविलाइजेशन सही चीज़ सेटअप किया हुआ है, लेकिन जहाँ पर वियतनामीज रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट इन लोगों ने इतना खास किया नहीं था, ठीक है, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स थे यहाँ भी। अब हुआ क्या कि एक बीमारी जो है वो उस दौर में फैल गए, 1903 की बात हो रही है, कौन सी बीमारी, प्लेग। कौन सा टाइप का प्लेग है ये, बिबोनिक प्लेग कहते थे जो हैनोई में यहाँ फैला, और ऑब्वियसली प्लेग जो है वो चूहों से फैलता है, रैट से फैलता है। तो वहाँ पर जो वो लोगों ने सीवेज सिस्टम, सीवर सिस्टम जो बनाया था, वो जो ड्रेनेज सिस्टम था है ना, जो गंदगी को आउटपुट करता था, वो एक्चुअली अब एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, किसके लिए, रैट्स के लिए। मतलब फ्रांस का जो ये बनाया हुआ जो उनका जाल है उसी में वो खुद फंस रहे हैं फ्रेंच लोग, क्योंकि अब ये जो सीवर सिस्टम है, जो ड्रेनेज है, इसके अंदर जब रैट इतने ज़्यादा ब्रीड हो रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली प्लेग के बढ़ने के चांसेस जो है और बढ़ते गए। तो ये लोगों ने क्या किया यहीं पे आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये लोगों ने इस पॉइंट पे फ्रेंच लोगों ने क्या किया कि वहाँ के लोकल जो वर्कर्स हैं, जो वियतनामीज हैं, उनको पकड़ के उनको बोला कि भाई आप लोगों को इनाम दिया जाएगा, ये जो रैट्स हैं इनको पकड़ के आप मारो, और इनका इनको मार के इनका टेल जो है हमको ला के दिखाओ, आपको इनाम दिया जाएगा। उस इनाम को क्या कहते थे, इसको इसको बाउंटी कहते थे, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या वियतनामीज लोगों ने कैसे चालाकी की वो चीज़ हम आगे देखते हैं, पर फिलहाल ये वो दौर है जिसके अंदर फ्रांस ने कैसे वहाँ पर चीज़ें चेंज करी है, वो सब चीज़ बताने की यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। तो पहले चाइनीज डोमिनेशन, फ्रेंच मिशनरीज आए, फ्रांस ने यहाँ कब्जा किया, फिर इस दौर में क्या हुआ, वो लोगों ने चेंजेस किए वियतनाम में। इसके बाद अब 1940 के बाद की बात हो रही है, 1940 से लेके 45 के बीच में जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया वियतनाम को, मतलब फ्रेंच डोमिनेशन था, अब फ्रांस को हटा के जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, क्योंकि जापान का जो कोशिश था, जापान जो है बहुत स्ट्रांग कंट्री था, भले हमको दिखने में मैप में छोटा सा लगता है वो, लेकिन उसने इस टाइम से पहले रशिया पे रूसो जापानीज वॉर में रशिया को हरा दिया था जापान ने, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक कंट्री था और इसका कोशिश था कि पूरा जो साउथ एशिया है इस पर कब्जा किया जाए, और उसी कोशिश में जापान ने वियतनाम पे कब्जा किया था, फ्रेंच का सिस्टम हटा दिया, ठीक है। तो यानी जापान ने वॉर किया, और फिर देखो 40 में समझो कि अगर जापान आई तो 45 के आसपास में जापान को हरा भी दिया, किसने, जो वियतनामीज थे उन्होंने यहाँ पर वॉर फाइट किया और फिर हरा दिया जापानीज को, और फिर इंडिपेंडेंस जो है वो 1945 को इनको मिला। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने का मतलब ये नहीं होता कि इनके पास एक अच्छी सरकार बन चुकी है, ठीक है, इंडिपेंडेंस मतलब कि अब ये लोगों का राज नहीं है फिर से। अब देखो जापान आया और जापान गया, अब इसके बाद क्या हो रहा है 1945 में, 1945 से लेकर 1964 तक अब और क्या चीज हो रही है, यहां पर एक और ऐसा फेज आया जब फ्रेंच लोग वापस से यहां पर इंटरफेयर करना शुरू किए, मतलब इधर तक तो फ्रेंच थे, जापान आया, जापान गया, फ्रेंच लोग वापस इंटरफेयर कर रहे हैं। एक्चुअली वहां का एक राजा था, सब नाम जो है वो मैं आगे रिवील करूंगा,
वहां का जो राजा था एक वियतनाम का, उसके ऊपर फ्रेंच लोग जो है उसको पपेट बना के चलते थे, ठीक है, उसको कठपुतली बना के रखते थे, और उसी के थ्रू उसने क्या, फ्रेंच लोगों ने क्या कोशिश किया कि वापस से वियतनाम के ऊपर कब्जा किया जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे वियतनामीज लोगों ने फाइट करके जापान को हटाया था, वैसे यहाँ पर फ्रेंच को भी हराया गया। 1954 की बात हो रही है और एक पीस ट्रीटी साइन हुआ बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम, और इस ट्रीटी में फ्रांस ने अपनी डिफीट कबूल करी, अपनी हार कबूल करी और वियतनाम को उनका जगह दे दिया, ठीक है। तो अब जो है ये 1954 से 64 तक की बात कहो आप, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे वियतनाम में, अब क्योंकि चाइना से इन्फ्लुएंस था, अब ये कम्युनिज्म जो है ये यहाँ पर चलने लगा, और कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऐसी कंट्रीज भी थे जो इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म दुनिया में फैले, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने या यूएस ने यहाँ पर अटैक कर दिया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दैट कम्युनिज्म यूएस ने अटैक कर दिया 1965 में, और ये वॉर इतना, मतलब आप कह सकते हो वियतनामीज लोग इतने स्ट्रांगली इसको अपोज किए, हर एक देखो यहाँ जापान के साथ लड़े, फ्रेंच के साथ लड़े, अब अमेरिकन ट्रूप्स के साथ लड़ा जा रहा है, और इवन वियतनामीज जो विमेंस है उनका रोल भी आप आगे देखोगे कितना ज़्यादा था, कि अराउंड एक ऐसा फेज आया था जब 60-70% जो लड़ रहे थे वियतनामीज उसमें से कौन थे, 60-70% विमेंस थे। तो ये लोगों ने फाइट किया और यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया वैसे देखा जाए तो अमेरिकन वॉर के साथ, मतलब अमेरिका के साथ वॉर करने पे, और एक पीस ट्रीटी फिर साइन हो गया, अमेरिका ने बोला ठीक है यार चलो वॉर को ख़त्म किया जाए, ये लोग तो हीरो बनते जा रहे हैं। और 1974 में क्या हुआ, वो पीस ट्रीटी साइन हुआ, जिसके बाद फाइनली देखो 64 से लेके 74 तक की बात हो रही है, 75 में जाके यहाँ पर वियतनाम में रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। रिपब्लिकन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लोगों के कंसेंट की सरकार आएगी, ये मोनार्की सिस्टम नहीं, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1945 में ही वियतनाम इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, लेकिन उसको प्रॉपर रिपब्लिक बनने में देखो इसके बाद 3 दशक लग गए, ठीक है। 75 में जाके वो रिपब्लिकन कंट्री बन पाया, तो ये कितना यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट, इंडिया से पहले आज़ाद हो गया लेकिन जो एक्चुअल रिपब्लिक है वो 30 साल बाद आया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ वियतनाम, मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी, वियतनाम का स्ट्रेटेजिकली क्या इम्पोर्टेंस था, कि वो मैरिटाइम सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर्म करता था, ठीक है, तो वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड में बहुत फेमस था ये वियतनाम। इसके बाद चाइनीज इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था वियतनाम के कल्चर में, वहाँ के रिलीजन में, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, बिकॉज चाइना एकदम एडजेसेंट कंट्री ही था, यहाँ पर एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल एडजेसेंट कंट्री था, ठीक है। फ्रेंच इंटरेस्ट इन वियतनाम, फ्रांस जो है यहाँ पर आया वियतनाम में, उसका क्या इंटरेस्ट था, तो फ्रांस का इंटरेस्ट ये था कि भाई ऑब्वियसली कोई भी कॉलोनीज से क्या उम्मीद होती है, सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वियतनाम से नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, एसेंशियल गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस उनका क्या एम था, मैंने बताया था कि वो चाहते थे कि हम जहाँ भी कॉलोनीज फॉर्म कर रहे हैं वहाँ के सिस्टम को, वहाँ को, वहाँ के जगह को सिविलाइज किया जाए वहाँ के लोगों को, ठीक है। और वो लोगों ने सिविलाइज मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया था, जिसके तहत वो एजुकेट कर रहे थे, रिलीजियस चेंजेस चाह रहे थे, ठीक है, हालांकि वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पाए, ठीक है। राइस एंड रबर प्लांटेशन, अब यहाँ पर एक अलग चीज़ बताई जा रही है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करी, वो मैं बता रहा हूँ एक लाइन में, कि फ्रेंच लोगों ने जो इरीगेशन में जो चेंजेस किए उसकी वजह से राइस और रबर प्लांटेशन अच्छा हुआ, पर बाकी कोई खास इंप्रूवमेंट दूसरी चीज़ों में नहीं किया वो लोगों ने। और इसके बाद 1907 की एक इंसिडेंसी, सब एक अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी वो बता रहा हूँ, और आगे जो एक्चुअल जो लोग इन्वॉल्व थे वो उनके भी नाम आएंगे आगे के पार्ट में। तो फ्रेंच लोगों ने जो स्कूल का जो इन्वॉल्वमेंट किया था ताकि यहाँ के लोगों को सिविलाइज किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, उसके लिए कौन सा, एक टोंकिन फ्री स्कूल जो है वो लॉन्च किया गया था। टोंकिन, ये स्पेलिंग आपका नॉर्थ जो वियतनाम है इसको टोंकिन कहते हैं, ठीक है, एन लगा देना इसमें। तो ये टोंकिन फ्री स्कूल जो है ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था 1907 में, ओके। एंड इसको ऑब्वियसली वियतनामीज लोगों ने अपोज किया था, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के
टीचर्स ने क्यों अपोज किया था, क्योंकि ये जो स्कूल है ये पूरी तरह से मतलब सही सिस्टम नहीं चला रहे थे, ये लोग अपना जो कल्चर है, अपना जो एजुकेशन है, फ्रांस का जो सिस्टम है, वो चीज़ को थोप रहे थे इनके ऊपर, जो वियतनामीज लोगों को मंजूर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पे हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, देखो कि फ्रेंच लोगों का वियतनामी क्यों इंटरेस्ट था वो देखा मैं, वो बताया मैंने। राइस और रबर की प्लांटेशन बढ़ी कल्टीवेशन में, लेकिन बाकी चीज़ें उतनी खास इंप्रूव नहीं कर पाई। फिर एक स्कूल यहाँ पर सेट किया गया जो बहुत ही बायस था, फ्रेंच लोगों ने इसको लॉन्च किया था और चाहते थे कि वियतनामीज लोग उनका कल्चर उनके तरीके से सीखें, जो वियतनामीज लोगों को मंजूर नहीं था। और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से स्कूल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहे थे, जो एक्चुअल वियतनामीज जो बच्चे हैं और फ्रेंच स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में स्कूल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहे थे, इस वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल स्कूल में ही चलने लगे और यहाँ से ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बननी शुरू हो गई। जैसे 1920s का एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन है जिसका नाम है यंग अनान। तो ये जो यंग अनान है, ये पॉलिटिकल पार्टी स्कूल में ही फॉर्म हो चुकी थी। ठीक है, अब हाइजीन, डिसीज और एवरीडे रेजिस्टेंस का बात करते हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि कैसे वो जो मैंने प्लेग का आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो प्लेग जब फैला तो वहाँ पर जब रैट हंट हुआ, तो उस रैट हंट के थ्रू भी जो वियतनामीज थे वो फ्रेंच सिस्टम को कैसे अपोज कर रहे थे, कैसे रेजिस्ट कर रहे थे, वो चीज़ बताई जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हैनन में जो है डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ किसने किया, फ्रेंच सिस्टम ने किया, ताकि वो लोग वहाँ पर रह सके, इसके लिए डेवलपमेंट किया, वहाँ पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी, वहाँ का सीवेज सिस्टम को इम्प्रूव किया गया एंड ऑल सब कुछ बनाया गया। ठीक है, लेकिन जब फ्लड आया तो वहाँ पर ये जो बिबोनिक प्लेग है वो फैला, और जिसकी वजह से रैट्स का पॉपुलेशन बढ़ गया, वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर्म हो गया था वो उनका ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ही है ना। तो अब ये जो रैट हंट चालू करवाया इन्होंने वहाँ के वर्कर्स को, जो वियतनामीज हैं उनको उनको बुला के और उनको इनाम देने का अनाउंस किया कि हाँ आपको हम बाउंटीज देंगे, और बाउंटीज यानी क्या कहो तो आपको एक इनाम दिया जाएगा अगर आप रैट्स को पकड़ते हो, उनको मारते हो। ठीक है, तो रैट्स को मारने का इनाम था, और प्रूफ क्या था कि भाई तुमने रैट को मारा, इसका प्रूफ क्या होगा, तुम उसका टेल को कट करके लेके आओ और दिखाओ और अपना बाउंटी ले जाओ। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने आपस में ही ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर लिया, आपस में जुड़ गए जो लोग ये काम करते थे रैट्स को पकड़ने का, और वो लोगों ने हायर बाउंटीज का डिमांड किया, मतलब ज़्यादा पैसे हमको चाहिए इसको मारने के लिए। तो यानी इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो अपना यूनिटी दिखा के और फ्रेंच लोगों को अपोज कर रहे हैं। और एक और आइडिया क्या लगा दिया, अब चूहों को मारेंगे तो पैसा मिलेगा, सारे चूहे मर गए तो कैसे पैसा मिलेगा, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे हजारों चूहे, 20,000 के आसपास चूहे, उससे भी ज़्यादा मार दिए थे, तो अगर सारे मर गए तो कैसे पैसा मिलेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया ना, चूहों को पकड़ते थे, टेल कट करके ले जाते थे, दिखा के बाउंटीज लेते थे, और कुछ लोग तो चूहे को ब्रीड करवाने लगे थे ताकि उनको ज़्यादा वैसे पैसे मिलते जाएं। पर ये चीज़ आगे पता चल गई जो फ्रेंच सिस्टम था, और वो लोगों ने इस बाउंड्री सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद रिलीजन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या है, देखो मैंने बताया कि यहाँ पर नेटिव रिलीजन क्या क्या चल रहा था, कौन सा रिलीजन, बुद्धिज़्म था, कन्फ्यूजनिज़्म था, तो ये सब जो रिलीजन्स थे जो वहाँ पर वियतनाम में चल रहे थे, फ्रांस ने चाहा कि वो क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करे, और इस वजह से वहाँ पर एक रिवॉल्ट भी हुआ था 1868 में, जिसको स्कॉलर्स रिवॉल्ट कहा जाता है, किसका इन्वॉल्वमेंट था वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई, फ्रांस चाहता था कि भाई यहाँ के सोशल और कल्चरल लाइफ को वियतनाम के इम्प्रूव किया जाए, पर वो इम्प्रूवमेंट उनके फ़ायदे के लिए वो सोच रहा था, फ्रांस अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा था ऑब्वियसली, और ये बात वियतनामीज को समझ में आ गई थी। आगे हम देखेंगे कैसे यहाँ के लोगों ने इतना ज़बरदस्त, इतने सारे जो फाइट किए वो कैसे कर पाए, यहाँ के लोग विमेंस का इन्वॉल्वमेंट क्या था, कौन से इंपॉर्टेंट नाम है, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है इस वियतनाम के जो मूवमेंट्स हैं यहाँ पर, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, नाम थोड़े से अजीब हैं, पर अगर आपने ये इवेंट्स के साथ में इनको कनेक्ट कर लिया, पढ़ लिया, तो भाई चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आसान है, बस इनके नाम को जो है आप याद रखो और इसके साथ में जो इवेंट था उसको कनेक्ट कर लो।
ओके। और इन वीडियोस में अगर शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ तो यहाँ पर इसका एक एडवांटेज बताता हूँ, कैसे करना है वो वे बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, आपने एंड तक देख लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे क्वेश्चन आंसर्स लगा लोगे। आपको रेफरेंस बुक जो भी आप रेफर करते हो उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना होगा। एक बार रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने ध्यान से अगर उसको पढ़ लिया तो आपको चीज़ें आ जाएंगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो पहला नाम मैं दे रहा हूँ वो है फ्रांसिस गार्नियर का। ये फ्रांसिस गार्नियर क्या है? क्या ये वो वाला गार्नियर है जो हम हेयर में डाइंग के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं है, बकवास जोक था, ठीक है, कोई नहीं। तो फ्रांसिस गार्नियर जो हैं वो एक फ्रेंच ऑफिसर थे जो कब आए थे, जब कि वियतनाम में फ्रेंच ट्रूप्स एंट्री हुई थी उस टाइम पे, यहाँ पर ये फ्रेंच ऑफिसर थे फ्रांसिस गार्नियर जो ग्यूएन डायनेस्टी, वहाँ पर कौन सी डायनेस्टी चल रही थी जब फ्रांस ने एंट्री मारी थी, तो वहाँ पर ग्यूएन डायनेस्टी चल रही थी, तो ग्यूएन डायनेस्टी के ऊपर हमला करने ये लोग आए थे। और एक्चुअली हुआ क्या कि ये ऑफिसर को मार दिया गया। ग्यूएन डायनेस्टी के लोगों ने ही इस 1873 की टाइम की बात है, ये फ्रांसिस गार्नियर को मार दिया गया, जिसका पिक्चर आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके और कहाँ मारा गया था ये, कहाँ की बात हो रही है? हैनोई, जो कि कैपिटल था कहाँ का? टोंकिन का, है ना, नॉर्थ वियतनाम आप कह सकते हो, वहां पर इसको मारा गया था। ठीक है, अभी ये ग्यूएन डायनेस्टी किसकी थी, आप यहां पर एक नाम बता दूंगा, ग्यूएन आ। तो ये जो ग्यूएन आन है ये 1802 से ये वहां पर राज कर रहे थे और इनका सिस्टम लोगों को मतलब पसंद आ रहा था। अब आगे की बात करते हैं तो एक और नाम यहां पर आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा, दैट इज ग्यूएन दिन चिउ। अब ये ग्यूएन दिन चिउ क्या है, कौन है? तो ऐसा तो नहीं कि इनका कोई मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, लेकिन इनका फिलॉसफी, इनका थॉट्स जो है बहुत काम आया था लोगों के। ये एक फेमस ब्लाइंड पोएट थे जिन्होंने कुछ लाइंस जिनकी आपको टेक्स्ट बुक में दी है, जिसमें से दो लाइन मैं यहाँ बता रहा हूँ। आई वुड रादर फेस एटर्नल डार्कनेस देन सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स, यानी कि जो ये मक्कार हैं, जो लोग हम पे हमला कर रहे हैं, है ना, स्पेशली अब ये फ्रेंच लोगों की बात हो रही है, तो इनका शक्ल देखने से अच्छा है कि मैं अंधाई सही हूँ। तो यानी इनका ऐसा मानना था कि ये जो डोमिनेशन कर रहे हैं, कॉलोनाइल मतलब कॉलोनी बना रहे हैं वियतनाम को अपना, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, अब एक और नाम यहाँ पर देखते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट नाम है इसका, ये वाला इवेंट अच्छे से याद रखो, ह्यूएन फू सो। अब ये ह्यूएन फू सो कौन है? ये वो हैं जिन्होंने हुआ हाओ मूवमेंट जो है वो किया था 1939 में। क्या है ये हुआ हाओ मूवमेंट? यहाँ पर रिलीजियस आइडियाज ये स्प्रेड करते थे, जो वहाँ का वियतनाम का जो रिलीजन है उसको स्प्रेड करते थे, एंटी फ्रेंच फ्रेंच अपराइजिंग, फ्रेंच लोगों के खिलाफ या जो फ्रेंच गवर्नेंस वहाँ चल रही थी उसके अगेंस्ट में ये अपना थॉट्स बताते थे कि भाई वो बाहर के जो फॉरेन थॉट्स है वो सही नहीं है। ठीक है, और पुअर पीपल को हेल्प किया जाता था, हेल्प करते थे ये। ठीक है, और यहाँ पर इस मूवमेंट में अल्कोहल को, ओपियम को, ये सब चीज़ों को अपोज किया जाता था, अफीम कह सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इनको यानी कि ह्यूएन फू सो को, क्योंकि इनका जो थॉट्स था लोगों को बहुत पसंद आता था इसके लिए, अब क्या हुआ कि फ्रेंच लोगों को खतरा हो गया कि भाई ये बंदा जो ऐसा रहा तो फिर हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए फ्रेंच लोगों ने इस बंदे को क्या बुला दिया, मैड बोन्स, यानी क्या, पागल घोषित कर दिया और 2 साल के लिए मेंटल असाइलम भेज दिया। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर मेंटल असाइलम यानी मेंटल हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पर सेंड कर दिया। और अब इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था ह्यूएन फू सो का, कि वो जहाँ पर जिस असाइलम में उनको रखा गया था वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ ने ही उनको पागल मानने से इनकार कर दिया, उनको सेन यानी बिल्कुल सही दिमाग का जो है घोषित कर दिया, जिस वजह से देखो कितना इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से अब ये फ्रेंच जो गवर्नेंस थी उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, ह्यूएन फू सो को लाओस के लिए एग्जाइल कर दिया, लाओस भेज दिया। और जो डॉक्टर्स और दूसरी टीम थी जिन्होंने इनको एकदम परफेक्ट घोषित कर दिया था, उनको
कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। तो भाई ये चीज गलत हुई। और इसके बाद हम बात करेंगे दो नाम जो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं लेकिन इनका डिफरेंस आपको याद रखना जरूरी है। एक है फैन बोई चाओ और दूसरा है फैन चू ट्रिन। नाम देखो भाई, नाम याद रखना बहुत, यहाँ पर आप अपने टेक्निक से याद रखोगे। फैन बोई चाओ और फैन चू ट्रिन क्या डिफरेंस है, पहले तो इनके बारे में देख लो। फैन बोई चाओ, इन्होंने किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। और ये बुक जो है ये बेस्ट सेलर बुक थी एक टाइम पे चाइना और वियतनाम दोनों में, ठीक है। अब इन दोनों के थॉट्स का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का ही मानना था कि भाई ये जो फॉरेन गवर्नेंस चल रही है, यहाँ पे फ्रेंच सिस्टम चल रहा है, इसको यहाँ से खत्म कर देना चाहिए। पहले तो ये सिमिलैरिटी दोनों का यही मानना था, पर कुछ थॉट्स में डिफरेंस थे। जैसे कि इनका ये मानना था कि जो फ्रेंच सिस्टम है वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन ये जो फैन चू ट्रिन थे इनका मानना था कि भाई फ्रेंच गवर्नेंस यहाँ नहीं होनी चाहिए, वो हम अपना गवर्नेंस चलाएंगे, लेकिन जो फ्रेंच लीगल सिस्टम है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो स्कूल सिस्टम है, वो बढ़िया है। तो ये वो चाहते थे कि फ्रेंच गवर्नेंस गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए यहाँ से, लेकिन जो उनकी सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद फैन बोई चाओ का क्या मानना था, यहाँ पर ये ज़्यादा, क्योंकि ये जो है ये चाइनीज रिफॉर्मर्स से मिलते रहते थे, चाइनीज थॉट्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए दे वेर मेनली इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज गवर्नेंस। चाइना में जो गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है उससे ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। अगर हम बात करें चाइना में तो जनरली कम्युनिज्म का थॉट ज़्यादा है, वहाँ पर सरकार जो है वो सारी फैक्ट्रीज है ना इन सब चीज़ें वही देखती है। नॉर्मली चाइना का ये थॉट्स था, ठीक, कम्युनिज्म का थॉट ज़्यादा था वहाँ पर। फैन चू ट्रिन का क्या मानना है, ये ज़्यादा बिलीव करते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पे, ठीक है, मतलब एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो ये इनका मानना था। एंड फाइनली एक और पॉइंट है जो यहाँ पर फैन बोई चाओ का है, वो क्या है कि ये कोर्ट की मदद से फ्रांस को रेजिस्ट करना चाहते थे, लेकिन फैन चू ट्रिन का मानना था कि कोर्ट का हेल्प नहीं लेना चाहिए, फ्रांस को रजिस्ट फ्रेंच लोगों को रजिस्ट करने के लिए हम अपने तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नाम हैं यहाँ पर कुछ, ये जो तीन नाम है ज़्यादा अच्छे से दिमाग में ध्यान रखो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और मूवमेंट की, गो ईस्ट मूवमेंट। यानी कि वियतनामीज लोगों ने ये माना था कि अगर हमको, अगर फ्रेंच लोगों को या फ्रेंच सिस्टम को हटाना है तो उनको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने 300 स्टूडेंट्स को जापान भेजा था, किस लिए, फॉर गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए जापान भेजा, क्योंकि फ्रेंच सिस्टम में फ्रेंच जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा हायर एजुकेशन वियतनामीज को नहीं प्रोवाइड कर रही थी, उनको पता था कि भाई ये सब चीज़ें उनके खिलाफ ही जा सकती हैं। तो फ्रेंच लोगों ने खुद गो ईस्ट मूवमेंट किया और अपने 300 स्टूडेंट्स को जापान भेजा मॉडर्न एजुकेशन के लिए, ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और दूसरा एक और इवेंट क्या हो गया, 1911 में चाइना में मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम आ गया, यानी लोगों के कंसेंट वाली सरकार आना शुरू हो गई 1911 में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो वियतनामीज लोग हैं उनका जो हौसला है, जोश है, वो बढ़ा, ठीक है। और अब उनका ये एम क्या हो गया कि ये जो पपेट एम्प्रेयर्स है, मतलब वियतनाम में ऐसे राजा थे ही जो फ्रेंच गवर्नेंस के हिसाब से चलते थे, उनकी बातों का, ठीक है, एकदम पूरी तरह से स्वागत करते रहते थे। तो ऐसे पपेट एम्प्रेयर्स को हटाना है और एक स्ट्रॉन्ग जो ग्यूएन डायनेस्टी थी पहले, उसको वापस से सेट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ के लोगों का मानना था, वियतनामीज लोगों का मानना था। अब इसके बाद बात करते हैं, एक और ऐसा इवेंट कुछ हो गया जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई, कौन सी, 1930 का जो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है। इसके बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है, जो नेजीजम वाला चैप्टर मेरे ख्याल से, वहाँ पर वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया था, ठीक है, US में कुछ गड़बड़ी हो गई थी इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज में। तो और इसका इम्पैक्ट फिर हमने 10th में भी नेशनलिज्म वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो यानी कि ये डिप्रेशन का असर पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज पे हुआ था। यहाँ वियतनाम में क्या इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ पर प्राइजेस कम हो गए इंटरनेशनल मार्केट में, राइस और रबर के प्राइजेस कम हो गए, ठीक है, वो डिप्रेशन की वजह से, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से लोगों का कर्जा बढ़ने लगा, लोगों के ऊपर डेट्स बढ़ने लगे, ठीक है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी बढ़ने लगी। तो यह सब चीज़ों से लोगों के अंदर और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। फेब 1930 में हो ची मिन, अनदर इम्पॉर्टेंट नेम,
तो ये 1930 में हो ची मिन ने एक पार्टी बनाई, कौन सी वाली पार्टी, क्या नाम था, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, और बाद में जाके इसको इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया। लेकिन अब ये मतलब इनका मेन यहाँ से एक चीज़ समझो कि ये हो ची मिन जो है ये कम्युनिज्म से ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को मानते थे, या कम्युनिस्ट जो यूरोप में कुछ कम्युनिस्ट पावर्स थी उनका वो मिलिट्री, उनका जो स्ट्रेंथ है वो इनको पसंद आता था, जिसके लिए इन्होंने ऐसा नाम यहाँ पर यूज़ किया। मतलब कम्युनिज्म का जो ये थॉट है ये बढ़ता जा रहा है, कैसा सिस्टम, कैसा गवर्नमेंट जिसके अंदर फैक्ट्रीज और इंफ्राज हर चीज़ का जो देख रहे हैं वो गवर्नमेंट करेगी, और हर जो लोग हैं वो सब बराबर होंगे, और कोई भी बड़ा छोटा ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसके अंदर, और सब लोगों को जो पे है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तो ये जो सिस्टम है ये कम्युनिज्म है, और ऐसे सिस्टम को काफ़ी कंट्रीज जो है वो अपोज करती थी, मेनली कंट्रीज लाइक USA जो इस सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और बाद में जाके जो कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और US के बीच में, दैट वॉज ऑल ड्यू टू कि US जो है कम्युनिज्म नहीं चाहता था जबकि रशिया कम्युनिज्म चाहता था। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे की बातें हैं, वैसे यहाँ पे हम इस पॉइंट पे रहें अगर तो। हो ची मिन ने अब ये पार्टी फॉर्म करी, अब ये लोग बहुत स्ट्रेंथ के साथ फ्रेंच लोगों के साथ लड़ रहे हैं। पर बीच में एक और घटना हो गई 1940 में, जापान जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया वियतनाम को, अब यहाँ पर हैनोई के ऊपर कब्जा कर लिया बेसिकली, और वियतनाम जो है अब उसको दो पावर से लड़नी पड़ रही है, फ्रेंच लोगों से भी और जापनीज ट्रूप्स के साथ भी। और यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जो वियतनामीज लोगों ने बनाई, लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। मतलब लोगों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा समझो कि एक ऐसा नेशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रांग होते जा रहा है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि वो दिन ब दिन और स्ट्रांग हो रहे हैं और दुश्मनों से लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, जापान जो है जिसने कब्जा किया था उनको वापस से हटा दिया गया, और हैनोई के ऊपर वियतनामीज लोगों ने वापस रीएस्केप, यानी कि जापान लोग के का जो कब्जा था वो हटा के और खुद वहाँ पर वापस रीएस्टेब्लिश हो गए। ठीक है, यानी 1940 में जापान ऑक्यूपाई किया वियतनाम को, 1945 में वापस वियतनाम ने अपना जो कंट्रोल है अपना इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया, 1945 में इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया। पर आगे की चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि अब ये नाम याद रखना हो ची मिन, ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर। अब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो फॉर्म हो गया, मतलब 45 में रिपब्लिक फॉर्म हुआ है, लेकिन ये टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिलहाल इनका चेयरमैन जो है हो ची मिन को बनाया गया, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंडिपेंडेंस के लिए। अब जो फ्रेंच गवर्नेंस थी वो वापस कोशिश कर रही थी कि वियतनाम को अपने अंडर ले लिया जाए, मतलब जापान आया था बीच में एंट्री किया था तो फ्रेंच का जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम हुआ था, लेकिन वापस से फ्रेंच कोशिश कर रही है क्योंकि वहाँ पर एक पपेट एम्परर बैठा हुआ है। कौन है वो? बाओ दाई। तो ये जो बाओ दाई है ये वहाँ का एम्परर था और वियतनाम का, और फ्रांस जो है वो इसको ही मोहरा बना के और वापस से वियतनाम पे कब्जा करना चाहती थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर फ्रेंच को तो हरा दिया गया, मतलब इसके इसमें जो अब लड़ाई चल रही है फ्रेंच और वियतनामीज की, जापान तो हट गया, फ्रेंच और वियतनामीज की जो लड़ाई चल रही है इसमें 1954 में फ्रांस को हरा दिया गया और वहाँ के उनके 16,000 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया। अब ये आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ बीच में जो मैंने बोला कि जापान ने एंट्री मारी, तो जापान ने क्यों एंट्री मारी, क्या इंटरेस्ट था जापान का? तो एक चीज़ ये समझ लो कि जापान जो है वो चाहता था अपना पावर जो है वो अपना जो कॉलोनीज बढ़ाना और ज़्यादा इन्फ्लुएंस पूरे एशिया में चाहता था, इसलिए वो साउथ एशिया पे ज़्यादा वो हमला कर रहा था, इसी वजह से वियतनाम पे भी हमला किया गया था। ओके, चलो फ्रेंच लोगों को हरा दिया गया, 16,000 सोल्जर्स को उनके कैप्चर कर लिया गया फ्रेंच ट्रूप्स को। अब हुआ क्या, एक ट्रीटी ऑफ गेनेवा ये साइन हुआ। तो ये इस ट्रीटी में, पीस ट्रीटी में क्या हुआ, समझौता हुआ बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम, और वियतनाम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में किसको हेड बनाया गया, जो यहाँ पर नाम दिया है जिसका एक्टिव पार्टिसिपेशन था उनके नेशनलिस्ट मूवमेंट में, यानी कि हो ची मिन को नॉर्थ वियतनाम दिया गया जो कि कम्युनिस्ट थॉट के थे, और साउथ वियतनाम बाओ दाई को दे दिया गया। ठीक है, अब हो क्या, देखो डिवीजन हो गया यहाँ पर,
नॉर्थ और साउथ का, नॉर्थ में एक अच्छा बंदा आया है, साउथ में वही पपेट वाला रूलर आया है, उतना पावरफुल नहीं है, तो साउथ वियतनाम की हालत फिर से गड़बड़ हो गई। वहां पर बाओ दाई को फिर से हटा दिया किसने, गो दिन दीम ने। तो ये बंदे ने थोड़ा चालाकी करके बाओ दाई को हटा दिया, और फिर ये जो गो दिन दीम है ये भी कोई अच्छा बंदा नहीं था, ये थोड़ा अपना डिक्टेटरशिप वहां पे लाने लगा, अपने खिलाफ कोई आवाज सुनना उसको मंजूर नहीं था। तो इसको हटाने के लिए वहां पर यानी साउथ वियतनाम में एक फॉर्मेशन, एक मतलब समझो कि एक सोसाइटी एक फॉर्म हुई, ठीक है, या एक तरीके से पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, कहां पर, साउथ वियतनाम में। और ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने नॉर्थ वियतनाम में जाके और हो ची मिन से बातें करी, और इन्होंने मतलब बोला कि भाई ये जो गो दिन दीम है ये डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहा है, इसको हटाना जरूरी होगा, और हम चाहते हैं कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम वापस से मर्ज होके यूनिफाई हो जाए। तो ये जो हो ची मिन यानी नॉर्थ वियतनाम और नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये लोग मिलके यूनिफिकेशन के लिए काम करने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर यूनिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि अब किसकी पावर आएगी, नॉर्थ वियतनाम में कौन है, हो ची मिन जो कि एक कम्युनिस्ट थॉट का है, तो ये कम्युनिज्म स्प्रेड होने का खतरा था, यूएस को लग रहा था, यूएस सब चीज़ देख रहा था, और यूएस ने एंट्री कर दी और एक समझो कि एक अटैक कर दिया किसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर, कि भाई क्यों कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे हो आप, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट हो जाओगे तो यहाँ आसपास की और भी जो कंट्रीज हैं वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट होगी। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट। जब एक कंट्री पे कुछ एक टाइप का गवर्नेंस आता है तो नियर बाय कंट्रीज में भी असर पड़ता है, दिस इज कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट। तो ये डोमिनोज इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए यूएस ने अटैक किया वियतनाम के ऊपर, ठीक है, अगेंस्ट दैट कम्युनिज्म, लेकिन वियतनाम की जो पावर थी या वियतनाम के जो लोग थे उनकी पावर बहुत ज़बरदस्त थी, उनकी विल पावर बहुत ज़बरदस्त थी, बिकॉज यूएस के पास बहुत हाईटेक मतलब बॉम्बिंग एंड सब कुछ सिस्टम था, केमिकल बॉम्ब वेपन्स तक यूज़ कर लिए गए और बहुत सारे विलेजेस पे वहाँ पर बॉम्बिंग की गई, पर फिर भी जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई दोनों साइड्स में, यूएस की ट्रूप्स में भी और यहाँ पर भी, लेकिन जो वियतनामीज लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के थे, उन्होंने स्पेशली अगर वहाँ के विमेंस की बात करी जाए, एक्चुअल हीरोज़ वहाँ के विमेंस को कहा जाता है, वहाँ पर काफ़ी इक्वालिटी थी उस वक्त भी विमेंस और मेल्स के कंपैरिजन में विमेंस की, तो विमेंस का पार्टिसिपेशन ऐसा है कि भाई वो लोग जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करना था नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम की तरफ, तो ट्रक्स भी जाते थे और ये लोग साइकिल्स पे भी अपने पीठ पे 25 किलो साइकिल पे बांध के 70 केजी ऐसे जो भी वेपन्स एंड सब चीज़ें हैं वो कैरी करके और ले जाते थे। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा था कि 60-70% वियतनामी जो फाइटर्स थे उसमें विमेंस ही थी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसमें पार्टिसिपेट किए इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और फाइनली ये जो पूरा इवेंट है ये पहला ऐसा वॉर बना जो टीवी पे टेलीकास्ट किया जा रहा था, और जो यूएस मीडिया है वो इसकी अब धीरे धीरे क्या करने लगी, इसकी बुराई करने लगी कि भाई क्यों यूएस जो है वो वियतनाम में इतना हमला करा, और काफ़ी टाइम जो है बीत गया, ना कोई हारा ना कोई जीता, ठीक है, और यूएस ने इस बात को समझा और इसके बाद में यूएस ने एक पीस ट्रीटी साइन कर दी पेरिस में 1974 में, और फाइनली यूनिफिकेशन जो है साउथ और नॉर्थ वियतनाम का हुआ 1975 में, और जिसके बाद उसका फाइनली रिपब्लिक फॉर्म हो गया। तो इसके साथ हमारा ये इंडो चाइना खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन बताइए। थैंक यू वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।